नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खेलते वक्त या फिर ऑपरेशन करते वक्त शरीर पर टांके लगाने पड़ते हैं और उन टांकों के निशान पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर का वह हिस्सा देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आज हम आपको इस पोस्ट में यही बताने वाले हैं कि टांके का निशान हटाने के लिए आप किन किन उपायों को अपना सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, नींबू का उपाय। लेमन में यानी कि नींबू में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की उचित मात्रा होती है। यह मृत कोशिकाओं को हटाने और पुराने निशानों को दूर करने में मदद करता है। नियमित रूप से उपयोग करने पर धीरे धीरे नींबू का रस टांके के निशान को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर दो, प्याज। पुराने निशानों को दूर करने के लिए प्याज सबसे अच्छा उपाय है। प्याज में एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं जो कोलोजन के उत्पादन को रोकने में मदद करते हैं, जिससे निशान को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। नंबर तीन, एलोवेरा। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह से यह त्वचा में एलोवेरा का उपयोग करने पर यह त्वचा की जलन को कम करने में फ़ायदेमंद होता है, साथ ही चोट या टांके आदि के निशानों को कम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर चार, टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में फाइटोकेमिकल्स की अच्छी मात्रा पाई जाती है। टी ट्री ऑयल में बहुत ही ज़्यादा ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो धीरे धीरे कटे पिटे निशानों को दूर करने के लिए, मुहासों के निशानों को दूर करने में भी बहुत मदद करते हैं। नंबर पाँच, आंवला। आंवले में विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो टांके और चोट आदि के निशानों को कम करने में सहायता करता है। यह पुराने निशानों को हल्का करने में, नए निशानों को त्वचा से आने से रोकता है और त्वचा को निखारता है। नंबर छः, आलू। आपको बता दें कि कटे पिटे निशानों को दूर करने के लिए आलू भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, लेकिन इसके लिए आपको आलू को पतला काटना होगा। जब आप आलू को पतला काट लें तो उसे प्रभावित क्षेत्र पर रखें और उसकी हल्के हाथ से मालिश करें। जब आलू का टुकड़ा सूखने लगे तो इसे दूसरे टुकड़े से बदल लें। लगभग 20 मिनट तक ऐसे ही मालिश करते रहें और उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। ऐसा करने से भी आपके कटे पिटे निशान, टांके के निशान या फिर मुहासों के गड्ढों के निशान से भी छुटकारा आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियो ला कर देते रहें।